चैनल। और गाइज आज हम बात करेंगे USB 3.x। जो x जो है ये वेरिएबल है, इसकी जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे USB 3.1 और 2 की। तो ये इधर पैरामीटर्स हैं और इधर कुछ उनकी वैल्यूज हैं। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है USB 3 में, एक तो सुपर स्पीड होती है, सुपर स्पीड आप 3.1 मान सकते हो कहते हैं, और सुपर स्पीड प्लस 3.2 होती है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2.5 होगी और जो डेटा रेट होगा वो जस्ट इसका डबल होगा। तो 5 GB/s इसकी स्पीड आप कह सकते हो। इसमें फ्रिक्वेंसी कोई नहीं पूछता, बस स्पीड पूछते हैं क्या स्पीड होती है USB की। तो 5 GB/s आप बोल सकते हो। फिर सुपर स्पीड जो होती है वो 5 GHz, और जो बॉड रेट होता है 10 GB/s होता है। AC कपलिंग कैपेसिटर इसमें रिक्वायर होता है नहीं होता? AC कैपेसिटर रिक्वायर्ड ऑन दी TX डेटा लाइन। TX डेटा लाइन पे AC कपलिंग कैपेसिटर हम लगाते हैं सीरीज में, और वो जो कैपेसिटर हम लगाते हैं वो DC कंपोनेंट को ब्लॉक करने के लिए लगाते हैं। जब फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है तो DC कंपोनेंट को। ऑप्शनल ऑन RX डेटा लाइन, जो RX डेटा लाइन होता है उस पर ऑप्शनल होता है। पोलरिटी रिवर्स हम उसमें कर सकते हैं, SSTX और SSRX के बीच हम पोलरिटी रिवर्स कर सकते हैं। मैक्सिमम इंट्रा पेयर स्क्यू, ये क्या होता है? मैक्सिमम इंट्रा पेयर स्क्यू जो होता है वो मान लीजिए आपकी दो USB 2.0 की बात करते हैं, उसमें दो डेटा लाइन होती है DP एंड DM। तो उनकी लेंथ जो सेम होनी चाहिए, अगर उनमें थोड़ा डिफरेंस है तो वो मैक्सिमम 5 मील तक ही अलाउ करेगा। इसके ऊपर जो होगा वो सिग्नल में स्क्यू आ जाएगा, ठीक है। सिग्नल आप कह सकते हो कि आगे पीछे वो डिले से पहुंचेगा, ठीक है। मैक्सिमम इंटर पेयर स्क्यू, ये इंटर पेयर स्क्यू क्या होता है? ये होता है दो पेयर, जैसे दो पेयर डेटा लाइन होती है और दूसरी एक दूसरा पेयर जिसको चैनल बोलते हैं इनको इस पेयर से, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पर NA नॉट एप्लीकेबल है, कोई डिफरेंस हम कंसिडर नहीं करते इसमें। मैक्सिमम केबल लेंथ जो हो सकती है 3.1 3.2 में वो 3 मीटर हो सकती है, ठीक है। 3 मीटर तक USB जा सकती है। ट्रेस इम्पीडेंस जो होती है 90 ओम प्लस माइनस, इसकी आप टॉलरेंस रख सकते हो, यानी कि 90 ओम अगर है तो अच्छी है, और 90 ओम से लेकर 105 के बीच में इम्पीडेंस है तो वो भी रख सकते हो, और 90 ओम से नीचे 75 तक, यानी कि 75 और 90 के बीच में अगर इम्पीडेंस है तो वो भी रख सकते हो। ये डिफरेंशियल का हो गया। और सिंगल एंडेड डिफरेंशियल जो होती है, सिंगल एंडेड इम्पीडेंस जो होती है वो होती है 45 ओम, और इसमें भी फिर प्लस माइनस 15 होता है, यानी कि अगर 40 और 60 के बीच में इम्पीडेंस है तो भी चलेगा, और 45 यानी कि 45 और 60 के बीच में है, अगर 45 और 30 के बीच में है तो वो भी इम्पीडेंस इसमें एलिजिबल है। तो ये थे कुछ पैरामीटर्स ऑफ USB 3। जनरली ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप इनको ये यहाँ से कवर कर सकते हो। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।